हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है और ये जो वीडियो होने वाली है यूट्यूब पर पहली वीडियो होने वाली है ये। दोस्तों आज हम अपनी टाटा हैरियर का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं और दोस्तों ये जो माइलेज टेस्ट है काफी ज्यादा डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अपनी टाटा हैरियर में इको मोड, स्पोर्ट मोड और सिटी मोड होते हैं, लेकिन यूट्यूब पर किसी ने भी अलग अलग मोड पर कितना माइलेज देती है गाड़ी किसी ने भी नहीं बनाई है इस प्रकार की वीडियो। तो आज हम अलग अलग मोड पर गाड़ी चलाएंगे और कितना एवरेज हम हाईवे पर निकाल सकते हैं मैक्सिमम माइलेज, वो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो एसी को ऑफ रखने वाले हैं क्योंकि सुबह का समय है, करीब 7-7:30 का टाइम है, तो एसी ऑफ रखेंगे और मैक्सिमम माइलेज हम कितना निकाल सकते हैं इको मोड पर, स्पोर्ट मोड पर और सिटी मोड पर, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले 50 किलोमीटर चलाएंगे हम इको मोड पर, ट्रिप को जीरो करेंगे, एवरेज भी हम देखने वाले हैं। जीरो करने के बाद में फिर 50 किलोमीटर के बाद फिर जीरो करेंगे और फिर हम दूसरे मोड पर लगाने वाले हैं सिटी मोड पर, और फिर उसके बाद जीरो करके स्पोर्ट मोड पर लगाने वाले हैं। इस प्रकार आपको एक काफी ज्यादा कंक्लूजन इस वीडियो में मिलने वाला है कि जो तीनों मोड हैरियर में दिए जाते हैं तो उनमें कितना माइलेज हम हाईवे पर निकाल सकते हैं और जो ड्राइव की क्वालिटी हो जाती है, कंफर्ट हो जाता है, कौन से मोड पर कैसा रहता है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं हमारा मीटर और यहाँ पर इसको हम ट्रिप को जीरो करेंगे। तो अभी यहां से ट्रिप ए को हम जीरो करने वाले हैं। ये देखिए ट्रिप ए हमारी जीरो हो गई है और ट्रिप बी को भी यहां से हम जीरो करेंगे और अब चलने वाले हैं हम इकोनॉमी मोड पर। यहां से आप देख सकते हैं ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अब 50 किलोमीटर हम चलेंगे और उसके बाद कितना माइलेज हमें दे रही है हमारी गाड़ी। तो यहाँ पर हम ट्रिप ए करेंगे, गाड़ी का टैंक फुल है, लेकिन हम इस वीडियो में जो है मीटर पर जो रीडिंग दिखाएगा उसके अनुसार ही आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमने देखी है जिसमें कि लोग 1 लीटर फ्यूल डाल के और एवरेज टेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। इसमें हम सारे मोड्स पर 50-50 किलोमीटर चलाएंगे, जीरो करेंगे और फिर एवरेज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो होने वाली है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी एक बात और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हम जो है इसकी अपनी गाड़ी की स्पीड रखने वाले हैं 80 के अंदर ही रखेंगे, 80 से ज्यादा नहीं चलाएंगे उसको और 80 के अंदर स्पीड रखेंगे, और इसके लिए हम क्रूज कंट्रोल का भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि हाईवे पर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्रूज कंट्रोल के साथ में गाड़ी चलाने पर काफी ज्यादा आराम मिलता है और हमारा जो पैर रहता है, जो एक्सीलेटर जिस पैर से हम दबाते हैं राइट पैर से, तो उसको आराम मिलता है और गाड़ी अपने आप चलती रहती है। तो इससे भी एवरेज पर काफी फर्क पड़ता है और आप देख सकते हैं हमारी स्पीड अभी चल रही है गाड़ी 60 और लगभग 80 के आसपास ही हम गाड़ी को चलाने वाले हैं। तो अभी चलते हैं और उसके बाद फिर दिखाते हैं दोस्तों आगे का। तो गाइस अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है लगभग 44 किलोमीटर और लगभग 6 किलोमीटर और गाड़ी चलाने वाले हैं और आपको दिखाते हैं एवरेज। आप देखिए कितना बढ़िया है माइलेज हमें मिल रहा है और 25.2 का एवरेज मिल रहा है, लगभग 25 का एवरेज हमें मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और हम बताने वाले हैं, हमने 80 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाई अभी तक, 80 की स्पीड में ही हम लगभग गाड़ी चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो इनसाइड है, नीचे जो बार आपको दिख रहा है, ये भी हमारे पूरे फुल है। अगर हम एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो देखिए बार हमारे कम होते हैं, इससे लोड पड़ता है इंजन पे और जो है एवरेज का डाउन हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये बार पूरे फुल होने चाहिए, तभी आपका जो है अच्छा माइलेज आपको मिलने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं 25.3 का माइलेज मिल रहा है इकोनॉमी मोड पर, जो कि बहुत बड़ी बात है 2 लीटर के इंजन वाली गाड़ी में। तो अभी लगभग 5 किलोमीटर और चलाने वाले हैं और आप देख सकते हैं 25 से ऊपर का ही माइलेज हमें यहाँ पर मिला है। एक चीज और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे दोस्तों, हम जो क्रूज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं क्रूज का 80 की स्पीड में हम क्रूज चला रहे हैं और ये आपको ग्रीन बटन दिख रहा होगा क्रूज का। तो
अभी 5 किलोमीटर और चलाते हैं और फाइनल माइलेज हम देखते हैं इकोनॉमी मोड में। तो दोस्तों अभी आपको दिखाने वाले हैं पहले मीटर, आप देखिए मीटर लगभग 500 मीटर और बचा है 50 किलोमीटर में। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी आ गया है हमारा पूरा 49, ये देखिए दोस्तों 50 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं और एग्जैक्ट 25 किलोमीटर प्रति लीटर का हमें माइलेज मिला है इकोनॉमी मोड पर। तो अब हम टेस्ट करने वाले हैं जो है सिटी मोड को और 50 किलोमीटर हम गाड़ी ड्राइव करने वाले हैं और 50 किलोमीटर में सिटी मोड पर कितना माइलेज निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ से इस ट्रिप ए को जीरो करेंगे और अब हम चलाने वाले हैं 50 किलोमीटर गाड़ी और यहाँ से इसको मोड भी हम सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो दोस्तों सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट हो चुका है और अब हम चलाने वाले हैं गाड़ी को 50 किलोमीटर और देखने वाले हैं कि कितना माइलेज हमें सिटी ड्राइव मोड पर मिलने वाला है। तो चलिए चलाते हैं और फिर आगे मिलते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग चला चुके हैं 49.3 किलोमीटर लगभग 500-600 मीटर और बचा है और अभी हमने चलाई है गाड़ी लगभग 50 किलोमीटर। तो सिटी मोड का एवरेज आपको बताने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग एवरेज आपको जो मिलने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो अभी तक दोस्तों पहली बार यूट्यूब पर ये जो है इस प्रकार से माइलेज टेस्ट किसी ने किया है जो कि हमारा पहला वीडियो है। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारी मेहनत के लिए और एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये आपको दिखाते हैं मीटर रीडिंग। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर एवरेज देखिए 22.5 का एवरेज है और पूरे 50 किलोमीटर हमारी गाड़ी जो है चल चुकी है। काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग एवरेज मिला है सिटी मोड में और सबसे ज़्यादा एवरेज हमें मिला था ये देखिए पूरे 50 किलोमीटर गाड़ी हमारी यहाँ पर चल चुकी है और एवरेज आप देख सकते हैं 22.4 का एवरेज हमें मिला है दोस्तों। सो गाइस अब होने वाला है धमाल और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अब हम करने वाले हैं फाइनल माइलेज टेस्ट हमारा स्पोर्ट मोड पर कितना माइलेज देने वाली है हमारी टाटा हैरियर XT प्लस डार्क एडिशन। तो यहां से आपको दिखाते हैं मीटर और ये देखिए हमारा जो है सिटी मोड पर 52 किलोमीटर हम गाड़ी चला चुके हैं। अब हम इसको करते हैं यहाँ से रिसेट एवरेज को और यहाँ से हम चलाने वाले हैं स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अब हम यहां से 50 किलोमीटर चलाने वाले हैं स्पोर्ट मोड पर और आपको दिखाने वाले हैं स्पोर्ट मोड पर विदाउट एसी बिना एसी के हाईवे पर कितना मैक्सिमम माइलेज आप इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। तो 50 किलोमीटर चलाएंगे और फाइनल कॉन्क्लूजन करने वाले हैं कि कौन से मोड पर हाईवे पर कितना एवरेज जो है आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाइनली जिस गाड़ी का इंतजार था वो गाड़ी आ गई है और हम चला चुके हैं स्पोर्ट मोड में 50 किलोमीटर हमारी कार और एक शॉकिंग माइलेज आपको मिलने वाला है जो कि अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों हमने लगभग 1.5 से 2 घंटे गाड़ी चलाई है, करीब 2.5 घंटा हमें हो चुका है और अभी फाइनली हमने स्पोर्ट मोड में 50 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। आप देखिए यहाँ पर 50 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और एवरेज हम आपको दिखाने वाले हैं काफी ज्यादा
शॉकिंग एवरेज है, ये देख सकते हैं आप 24.6 किलोमीटर प्रति लीटर का एक खतरनाक माइलेज यहाँ पर हमें मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है स्पोर्ट मोड में गाड़ी चलाने पर। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में हमने आपको इको मोड, स्पोर्ट मोड और सिटी मोड में जो है एक्चुअल हाईवे का बिना एसी के माइलेज टेस्ट करके दिखाया है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग माइलेज है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्पोर्ट मोड में इतना अच्छा माइलेज कैसे निकला है। हो सकता है कि रोड जो है सिंपल प्लेन रोड था, कहीं ढाल नहीं था, और हमने जो एवरेज स्पीड हमने पकड़ी है 80 की पकड़ी है और क्रूज कंट्रोल का यूज किया है पूरी ट्रिप में, तो काफी बढ़िया माइलेज है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा और देख सकते हैं एक सांप था बहुत बड़ा रोड पे, तो आप भी देख सकते हैं गाइज कि इतना बढ़िया माइलेज हमने निकाला है। उसके लिए पहली टिप आपकी यही है कि गाड़ी को 80 की स्पीड से ज्यादा ना चलाएं, ज्यादा ज्यादा क्रूज कंट्रोल का यूज करें और एक्सीलेटर को ज्यादा प्रेस ना करें, और तीसरा जो है मैक्सिमम गियर पर ही चलाएं, बड़े गियर पर चलाएं। तो इस प्रकार से आप भी अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत की है दोस्तों आपके लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।